हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है आपके चैनल में। फ्रेंड चलिए आज बात करते हैं यूट्यूब कस्टम URL के बारे में। फ्रेंड आप सबको बता दूं कि हर एक यूट्यूबर चाहता है कि मेरा कस्टम URL लिंक हो, जिसमें आप सबको टर्म एंड कंडीशन क्या क्या होता है वो आप सबको पता है। नहीं पता है तो बस आप वीडियो में बने रहिए, मैं बताने वाला हूँ। फ्रेंड उसका टर्म एंड कंडीशन क्या है कि आपके चैनल पे 100 सब्सक्राइब होना चाहिए कस्टम URL के लिए अप्लाई आप कर सकते हैं। तो फ्रेंड ज़्यादातर तो यूट्यूबर अप्लाई करते हैं अपने ही चैनल के नेम से। अगर वो चैनल के नेम से नहीं मिलता है तो कुछ मतलब उसमें अंक लगा देते हैं, तो अगर मिल जाता है तो आप सबको बता दूं फ्रेंड आपको वही URL कस्टम मतलब आप लगा सकते हैं। जो यूट्यूब पर कोई लिया नहीं हो URL, वही आप URL अपना लगा सकते हैं, कस्टम URL मतलब ले सकते हैं फ्रेंड। और इसमें 100 सब्सक्राइबर होना चाहिए आपके चैनल पर, तब आपको कस्टम URL अप्लाई कर सकते हैं। इसका फ़ायदा क्या है कि आप अगर डिस्क्रिप्शन में लिंक देते हैं या कहीं शेयर करते हैं तो आपका बहुत ब्रांडेड आपका जैसे ब्रांडेड दिखता है, आपका URL ही देखकर वो बंदा पहचान जाएगा कि आपका चैनल का क्या नाम है। आप लोगों को पता है कि जैसे ट्विटर हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, सब अपना अपना सबका लिंक कस्टम URL लिंक होता है। जैसे कि उसमें www.insta.com उसके बाद आगे जो स्लैश के बाद अपना जो YouTube का जो नेम होता है, यूजर नेम या YouTube का चैनल का नाम होता है वही रख लेते हैं बहुत। और मतलब लोग अगर नहीं वैसे मिलता है YouTube चैनल का नेम से नहीं मिलता है यूजर नेम, तो अपना क्या करते हैं कुछ में उस अंक कुछ लगा कर उसके बाद अपना बना लेते हैं, जैसे कि अपनी ब्रांडेड हो जाती है, बहुत अच्छा लगता है। जैसे सब एक ही जैसा, जैसे YouTube का अपना कस्टम URL बना रहे हैं तो में उसमें रहेगा www.youtube.com/ उसके बाद अपने चैनल का नाम उसमें मतलब डाल देते हैं तो बहुत अच्छा दिखता है, एकदम ब्रांडेड जैसे दिखता है। फ्रेंड आप सबको बता दूं उसी के बारे में बात करने वाले हैं कि कस्टम URL के लिए अप्लाई कैसे करें, कैसे उसके चेंज करें, इसी के बारे में बात करने वाले हैं। फ्रेंड आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा कर ऑल कर लें कि कोई भी वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। बस स्टेप बाय स्टेप फॉलो करिए, स्किप करके वीडियो में ना देखिए, नहीं तो आपको कुछ मतलब भूल सकते हैं। तो फ्रेंड चलिए जैसे अप्लाई करते हैं आप सबको दिखाएंगे कैसे अप्लाई होता है। को क्या करना है, ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद जो आपको यहाँ पे आपका चैनल का जो लोगो दिख रहा है इस कोने में आप साइड में देख सकते हैं, इस पर आपको क्लिक कर देना। तो फ्रेंड आपको देख लीजिए यहाँ पर सेटिंग का आइकन है, इसी सेटिंग का आइकन पर आपको क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद देखिए पेज ओपन हो रहा है, फ्यूचर लिख रहा है यहाँ पर, आप देख लीजिए यहाँ पर चैनल स्टेटस एंड फ्यूचर आपको दिख रहा है यहाँ पर। तो क्या करना है, इसी पर आपको क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं क्लिक कर देता हूँ। तो फ्रेंड देखिए मैं क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर हमको दिख रहा है ये कस्टम URL इनेबल नहीं है। फ्रेंड मैं बता दूँ आपको के पास 100 सब्सक्राइबर होना चाहिए, आपके चैनल पर लोगो होना लगना चाहिए, आपके चैनल पर बैनर भी होना चाहिए। फ्रेंड आपका चैनल 30 दिन से ज़्यादा होना चाहिए, वो पुराना होना चाहिए फ्रेंड। तो फ्रेंड आपको क्या करना है, इस पे आपको इनेबल जो दिख रहा है इसी इनेबल पर आपको क्लिक कर देना है। चलिए मैं क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद फ्रेंड अगर एक वेबसाइट को आपको क्रोम ब्राउज़र में ही खोलना है, तो अगर आपका क्रोम ब्राउज़र में नहीं खुलता है तो आपको क्या करना है, जो ये ऊपर दिख रहा है लिंक तो आपको इसी को कॉपी करना है। तो चलिए मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद आपको क्या करना है, देखिए मैं कॉपी कर लिया हूँ। कॉपी करने के बाद आपको क्या करना है, क्रोम ब्राउज़र में जाकर फिर से न्यू टैब बना लेना है। तो देखिए यहाँ पर मैं न्यू टैब बना लेता हूँ। न्यू टैब बनाने के बाद आपको फिर से वही जो लिंक कॉपी किए हैं यहाँ पर आप सर्च कर लीजिए। देखिए मैं जो लिंक कॉपी किया हूँ वही सर्च कर लेता हूँ। देखिए वही लिंक मैं सर्च कर लेता हूँ। करने के बाद देखिए ये पेज ओपन हो जाएगा, आप सब देख रहे हैं। तो फ्रेंड ये पेज ओपन हो जाएगा। होने के बाद आपको देखिए ये यहाँ पर लिखा हुआ है कस्टम URL। तो आपको क्या करना है, कस्टम URL जो लिखा हुआ है देखिए क्लेम इट हेयर लिखा है, इस हेयर पर आपको क्लिक कर देना है, नहीं तो नीचे भी हेयर लिखा है उस पर भी आप क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए मैं ये हेयर पर क्लिक कर देता हूँ। इस क्लिक करने के बाद देखिए मेरा पेज दूसरा ओपन हो रहा है। फ्रेंड आप देख रहे हैं मेरा पेज ओपन हो गया है।
तो आपको देख रहे हैं कि मेरा जो चैनल का नाम है वही यहाँ पे आ गया है, टेक रजक आप देख रहे हैं। तो आपको टेक रजक ही रहने देना है। तो आपको क्या क्या करना है, यहाँ पर आपको टिक लगाकर उसके बाद आपको यहाँ पर कंटिन्यू यूआरएल पर, चेंज यूआरएल पर क्लिक कर देना है, तो आपका हो जाएगा। अगर नहीं आपको बनता है तो आपको अगर चेंज करना चाहते हैं तो आपको देखिए दूसरा ऑप्शन चूज करेंगे, यहाँ पर देखिए दूसरा ऑप्शन दिया है। तो आपको क्या करना है, दूसरा ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर जो अक्षर कुछ लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं। तो चलिए मैं जैसे लगा के दिखाता हूँ आप सबको। यहाँ पर लगाने के बाद मैं एक अक्षर लगाता हूँ, देखिए अक्षर मैं लगा दिया हूँ। लगाने के बाद आप सब देख लीजिए यहाँ पर टिक लग गया है हरे कलर का, इसका मतलब ये लिंक अभी अवेलेबल है। तो फ्रेंड ये अवेलेबल है, तो आपको क्या करना है इस पर, मतलब आई हैव रेडी पर आपको क्या करना है, ये यहाँ पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर कंटिन्यू पर चेंज यूआरएल पर आपको क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं क्लिक कर देता हूँ, देखिए क्लिक करने के बाद यही यूजर नेम हमारा हो जाएगा। आप देख रहे हैं youtube.com/techrajak07। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर कन्फर्म पर क्लिक कर देना है, कन्फर्म च्वाइस पर। तो चलिए मैं इस पर कन्फर्म च्वाइस पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद सीधे मेरा YouTube ओपन हो जाएगा, आप सब देख रहे हैं मेरा YouTube ओपन हो गया है फ्रेंड। तो देखिए यहाँ पे मेरा YouTube ओपन हो गया है। तो फ्रेंड आपका कस्टम URL चेंज हो गया है। तो अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, न्यू टाइप कर लेना है। न्यू टाइप करने के बाद आपको यहाँ पर वही सर्च करना है। तो चलिए मैं सर्च करता हूँ youtube.com, जैसे youtube.com/, देखिए मैं स्लैश के बाद इसके बाद अपना चैनल का नाम लिखता हूँ टेक रजक 7 लिखता हूँ। उसके बाद मैं सर्च करता हूँ, सर्च करूँगा तो अगर मेरा चैनल आ जाएगा तो समझिए कि कस्टम URL बन गया है। देखिए मैं सर्च किया हूँ, मेरा टेक रजक लिखकर आ गया है। तो फ्रेंड आपका मतलब समझिए कि मेरा कस्टम URL बन गया है फ्रेंड। तो फ्रेंड आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आता है तो आप इससे जुड़ी आप कमेंट बॉक्स में जाकर टाइप करके कमेंट में पूछ सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।